अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल दरबारी किचन। दरबारी किचन में आज मैं आपको पराठा बनाना सिखा रही हूँ, एक अचार वाला और एक नमक वाला, दोनों बना के दिखाती हूँ दोनों तरीकों से। चलिए देखिए व्यूअर्स, जो मैंने आटे के पेड़े बना लिए, इसमें जो चीज़ें चाहिए हमें, ये घी है, ये काली मिर्च, ये कलवंजी, ये थोड़ी सी सुरख मिर्च और ये गर्म मसाला और ये कसूरी मेथी और नमक। आए फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और ये अचार, चलिए देखें व्यूअर्स, अब जो मैं बनाने जा रही हूँ अचार वाला पराठा, इसमें सबसे पहले देखिए ऐसा अचार मैंने लगा लिया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगाएंगे, ये मिर्चें, ये कलवंजी और ये काली मिर्च और गरम मसाला। अब इसको हम फोल्ड करें, देखें वो कैसे करेंगे। इसका पिंडा बना लिया मैंने, मैं इसको बेल लूंगी। थोड़ी सी मेथी, तवे पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। देखिए मेरा जी एक साइड पर पक गया, दूसरी साइड मैंने इसकी डाल दी। देखिए मेरा जो
आलू पराठा पकने वाला तैयार होने वाला है। बस इसी वजह से पक गया, अब इसको मैं पकाने लगी। ये हमारा चारी पराठा तैयार हो गया। जब ये मैंने दूसरा बेल लिया, पहले को मैंने ऑलरेडी घी लगा लिया था, ये मैं आपके सामने एक दफ़ा और लगा देती हूँ। इसके अंदर ये नमक, ये सादा है नमक, नमक मिर्च वाला मसाले वाला, और ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली, काली मिर्च, कलवंजी और ये मिर्च है गर्म मसाला वगैरह। इसको भी सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको भी पहले की तरह बेल लेंगे। देखिए इसको भी मैंने एक साइड पे घी लगा दिया है, इसकी भी साइड चेंज करेंगे। दोनों साइड से इसको पका के उतार लेंगे। ये भी तैयार है हमारा पराठा, इसको भी मैं खा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये देखें हमारे सहरी पराठे रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल दरबारी किचन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो हमारी मिल सके।